सारे लोग छाता लेके चल रहे हैं, वही तो। कृष्णा किसको फोन लगा रही हो? किसको फोन लगा रही हो? पुलिस को क्यों? तबीयत खराब है, कन्हैया चुपचाप है बिल्कुल। ये देखिए बाहर कभी, अभी मैं दिखाती हूँ इधर से, ये देखिएगा। आपको कुछ दिख भाई, देखिए भाई फोन आ मिल रहा है, निकल रहा है दार्जिलिंग के लिए, तैयार हो गए हैं, अभी ड्रेस पहनना है। यहाँ से निकलेंगे तो हम लोग दार्जिलिंग पहुँचेंगे, है ना? कृष्णा उठो, व्हाट आर यू डूइंग कृष्णा? व्हाट आर यू डूइंग कृष्णा? हाँ हाँ पूरा वहाँ नीचे से अब बारिश हल्की हल्की पड़ने लगी। हाँ वो लगा रहेगा अभी आगे चलेंगे तो, बट चीजें चेंज हो गई हैं, बहुत बदल गया है। वो जो छोटे छोटे घर हैं, पूरा पहाड़ों के बीच में घर, सिर्फ पूरा पहाड़ों के बीच में घर। हम लोग ऐसे मुड़ेंगे यहाँ से, ये देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, ऑसम व्यू है, जो कि कैमरे में नहीं पता चलेगा। अब यहाँ से हम मुड़ेंगे, ऐसे हम लोग बोलते हैं। हम लोग को छाता भी लेना पड़ेगा। हाँ ठंडी लगने लगी है, ठंडी लगने लगी है। कितने नीचे से लोग आए हैं। हाँ तो ये मीना लोग यही रहती है। सारे लोग छाता लेके चल रहे हैं, वही तो। कितना ये चीज हम लोग भी किए थे, छाता लेके चले थे। इसमें बैठी थी? हाँ मासी इसमें बैठी थी। कब? जब आई थी मासी यहाँ पे तब बैठी थी। जब मौसा के साथ? हाँ दम जब मौसा के साथ, रखा था उसे रखा। सही बात है, जब मौसा। यहाँ पे ऐसा ही घर बनता है एकदम पटरी वाला, ऐसे ऐसे होटल होते हैं पहाड़ों पे बने होते हैं। अब हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए हैं, हम लोग होटल में जा रहे हैं, है ना? ये कन्हैया कृष्णा को हर जगह टॉयलेट बहुत आती है। आओ तेजी से लगे, किस में गए हैं भैया? वो लोग किधर से गए हैं? आगे से सामान यही है, चले। ये दार्जिलिंग की सड़कें ऐसी हैं, अभी देखिए। और दार्जिलिंग के घर ऐसे ही ऊंचाइयों पे सड़कें बनी रहती है ऐसे। ये देखिए कृष्णा इन लोगों को चाइना वाला कह रही है। हाँ हाँ चलो, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं टॉयलेट कराने के लिए। दार्जिलिंग का होटल हम लोग पूरा दिखाए हैं, जिसको भी देख रहे कह रही है चाइना वाले। हमारा होटल दार्जिलिंग का लगभग रिजॉर्ट होता है, इसे पूरे लकड़ी पे बना होता है। ये देखिए ये हमारे रूम का व्यू, मैं रूम टूर करा दे रही हूँ यहाँ से, बहुत अच्छा आपको व्यू दिखेगा बाहर का, ये पूरा व्यू। हाँ दार्जिलिंग का
देखिए लगभग रिजॉर्ट ऐसा ही होता है, जितना भी लोग आएंगे ऐसा ही रिजॉर्ट रहता है। ये देखिए बेड है, और ये बेड है, और इसका ये छोटा सा टीवी लगा है, ये वॉशरूम है, और एक कवर टांगने के लिए है, और एक कन्हैया कृष्णा खेल रही है, और ये हमारा सेकंड रूम है। चलिए सेकंड रूम का भी मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये देखिए दार्जिलिंग में जो भी है, क्योंकि ये कभी सीमेंटेड आपका नहीं बन सकता है, ये पहाड़ों पे होटल बने रहते हैं। ये नहीं, ये भैया ले लिया है, ये बॉयज गर्ल्स का नहीं। ये देखिए ये रूम, और ये कर्टन लगे हैं, एंड ये है, वेटा मिनट अभी क्यों निकाल रही हो। ये देखिए कर्टन हटाने के बाद बाहर का व्यू कितना ही प्यारा व्यू है, वाह। पूरा कर्टन अगर हम हटाएं तो यहाँ से दार्जिलिंग का पूरा व्यू दिखेगा आपको। देखिए यहाँ के कैसे पहाड़ों पे घर हैं, ये है पूरा पहाड़ों पे घर। ये पानी दिए हैं, और ये चाय कॉफ़ी बनाने के लिए। अब चलते हैं, आपको बालकनी में दिखाते हैं। देखिए यहाँ का ड्रेसिंग टेबल कुछ ऐसा है, ये वॉशरूम है। हाँ मुल्लू रुको रुको, थोड़ा सा मासी कर ले। ये है बाहर का व्यू, ये है कन्हैया कृष्ण। ये देखिए बाहर का व्यू, अभी मैं दिखाती हूँ इधर से, ये देखिएगा। आपको कुछ दिख भाई, फोन आगे नहीं करना है, फोन तुम उधर क्यों कर रही हो, पागल हो। अच्छा ऐसे व्यू दिखाओ, कृष्णा ऐसे देखो, कृष्णा इधर फोन उधर, किसू ऐसे देखो व्यू। ये है पूरा गैंगटोक का व्यू, अरे सॉरी दार्जिलिंग का। ये है व्यू गैंगटोक व्यू, अभी हम लोग जाएंगे, कितना प्यारा व्यू है। ये हम लोगों का बालकनी है, तो ये देख सकते हैं, ये हमारी बालकनी है। आगे मत करना फोन, फोन आगे नहीं, यही दार्जिलिंग ये दार्जिलिंग का पूरा व्यू पूरा ब्लर ब्लर है। और यहाँ के घर ये झोपड़ियों की तरह होती हैं, वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसे घर नहीं बन सकते कि यहाँ पे ऑल टाइम बारिश होती रहती है, तो बारिश जितनी भी होगी इससे नीचे निकल जाएगा, छत पे लगेगा नहीं, लगेगा तो टूट जाता। बतवा क्या दिखाती हो, पागल लड़का। ये नीचे की सड़क, दार्जिलिंग की नीचे की सड़क है। ये है पूरा दार्जिलिंग का व्यू, देखिए दार्जिलिंग की ये सड़क है। हम लोग काफी ऊपर है व्यू के लेने के लिए, और आने में हम लोग काफी थक गए हैं। ये होटल का व्यू है, रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट ऐसा ही होता है, लकड़ियों पे ही बनता है। और कृष्णा को कितना भी मजा आ रहा है, गजब का एंजॉय कर रही है भाई। ये देखिए चुप गया सब कुछ धुआं से। ये देखिए ये चाइना का सब लोग को लग रहा है। अरे छोटू अच्छी आई है, इस ब्लर में ऐसे ही फोटो आएगी। ये देखिए फादर कैसा खींचे यार, खींच नहीं पा रही है यार। अच्छा एक मिनट, एक मेरी खींच के देखो, मेरी ये देखिए खींचो देखो, ये धुआं है, खींचो मेरी खींचो, छुप गया है दूर पीछे पीछे कृष्णा पीछे, बस ज्यादा नहीं शूट करो फट जाएगा। कैसे गोरा कर लिया, कहाँ गोरा तुम क्यों, वो देखा है ये देखिए सब कुछ। अब मैं ये दिखाती हूँ, हम लोग कहाँ आए, हम लोग दार्जिलिंग आए ना, दार्जिलिंग का है। इधर आओ छोटू, हम इधर क्रेचर भी रख सकते हैं, आपको ये सब दिखाती हूँ। इधर टॉयलेट है, इधर टॉयलेट, ये देखिए इधर शावर है, ये सब है ऑन करके है, ये ब्रश करने के लिए, ये टॉयलेट करने के लिए, ये करने के लिए शावर, सब कुछ रखने के लिए। आपको कुछ काम है तो कर लीजिए, बाय। रावण के घर का मौसम ऐसे ही रहता है। ये देखिए गाइस, दार्जिलिंग को रावण का घर बता रही है, कह रही है रावण का घर ऐसा ही रहता है। देखी हो तुम क्या रावण का घर, कब देखी थी? अरे देखी नहीं थी, टीवी में देखी, देखी ऐसे ही मौसम दिखता है। अच्छा टीवी में देखी थी। कृष्णा किसको फोन लगा रही हो, किसको फोन लगा रही हो, पुलिस को क्यों?
कन्हैया की तबीयत खराब है, कन्हैया चुपचाप है बिल्कुल। आ रही है ना? नहीं तुम नहीं आ रही है ना, पुलिस को फोन मिला रही है। मम्मी कॉल करो ना, बोलो कि पुलिस को नजर लग जाएगी तो पुलिस हाँ। हमें भेजोगी आप? अब बोलोगी कि रिद्धि को ले जाओ, रिद्धि को ले जाओ कि युवा को ले जाओ। देखिए कृष्णा पागल हो गई है, पुलिस को बार बार फोन कर रही है। यहाँ लेटे हुए हैं, अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे और इस मंकी को देखिए कैसे कर रहा है एक्टिंग। अभी हम लोग खाना खाने जाएंगे ना, अब फिर मैं मासी का फोन ले लूंगी खट करके। फिर ये मेरा फोन ले लेगी, नहीं करो। बस 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 यही। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट में करके बताइएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो। ये देखिए ये अंधेरे का टाइम का दार्जिलिंग का पूरा व्यू है, ये हमारे होटल से ऊपर का व्यू है, कितना बेस्ट व्यू है। सो अभी हम जा रहे हैं मॉल रोड घूमने, सो वहाँ का हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, फिर मिलते हैं।